देखिए, हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ठाकरे से निकला, वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है, बीजेपी कहती है हमारे साथ विश्वासघात हुआ। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया, और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम है, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है, उद्धव जी बोलते हैं हम है विचारों के। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, अब इसे में आप समझ लीजिए। इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है, अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। और ये ठीक नहीं है, ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना, ये अच्छी चीज नहीं है। राज्य का भाजपा कहता है कि हिंदुत्व तो हम शंकराचार्य जो है ऐसे बयानबाजी को लेकर कैसे हमारा हिंदुत्व। भाई, शंकराचार्य की बात नहीं है, शंकराचार्य जी क्या कहेंगे, जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य, और इस बारे में कौन बोलेगा, राजनेता बोलेगा? इस बातें में तो धर्माचारी ही बोलेगा। महाराज जी, जो पूजा हुई ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जब गुरुजन पधारते हैं तो उनकी पादुकाओं की पूजा की जाती है, और उसी का विधि विधान के साथ पालन उद्धव ठाकरे जी ने सपरिवार किया। केदारनाथ मंदिर बन रहा है, प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर बन रहा है दिल्ली में, उस पर क्या कहना है? देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में द्वादश ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है, बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है, जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ, उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के हजार नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई, बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए, 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे? 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है?
और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल? हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। आपको लगता है वो हमारे दुश्मन नहीं है? नहीं, हमारे जरिए कोई, हम कोई लाइजनर नहीं है। हमको श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बुलाया था, हम जैसा कि हमारा नियम है श्रद्धा से बुलाने पर जाते हैं। हम आए, उन्होंने पादुका पूजन किया और अपनी जो उनकी अपनी बातें थी वो भी हमारे सामने रखी, हमने उनको सुन लिया। ये जो बात हम कह रहे हैं वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता की बात है।